Hello friends welcome to our channel Pharmacy Pitara as we have seen in our previous video anti asthmatic drugs part 7th about third type of anti asthmatic drugs mast cell stabilizers now we will learn the fourth type of anti asthmatic drugs corticosteroids and we will learn the following topics mechanism of action pharmacokinetics uses adverse drug reaction and contraindications in this video कार्टिकोस्टेरॉयड्स कार्टिकोस्टेरॉयड्स शॉर्ट टर्म ड्रग है जो बहुत जल्दी अपना इफेक्ट दिखाते हैं और इन्हील्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉयड्स जो यूज लेते हैं वो अक्यूट अस्थमा में लाइफ सेविंग के लिए यूज़ करते हैं इन्हील्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉयड्स आर द ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस इन ब्रोंकियल अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा की फर्स्ट चॉइस ड्रग है इन्हेल्ड ग्लूकोकार्टॉयडस एंड लाइफ सेविंग इन सीवियर एकट अटैक सीवियर अक्यूट अटैक्स में ये लाइफ सेविंग का काम करता है ये ड्रग अब है फार्मेको व्हेन वैन एडमिनिस्टर्ड औरली अंडर गोज रेडिली एब्जॉर्बशन एंड सर्कुलेट इन अ फॉर्म बाउंडेड टू प्लाज्मा प्रोटीन मोर देन नाइन्टी परसेंट और मेटाबोलाइज इन लीवर एट टू ट्वेल्व आवर एक्शन ड्यूरेशन जब इसको औरली एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो सर बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्बन होता है इसका और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा मेटाबोलाइजेशन इनका लीवर में होता है और इनका एक्शन ड्यूरेशन है एट टू ट्वेल्व आवर्स अब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कार्टिको स्टेरॉयड्स बाइंड विथ ग्लूको रिसेप्टर एंड एक्ट बाय इनहिबिटिंग इन्फ्लामेटरी सेल्स एंजाइम्स फॉसफोलाइफेज ए टू एंड प्रिवेंट साइटोकस ये ग्लूको रिसेप्टर्स पे जाके उनके साथ जुड़ते हैं और इनहिबिट कर देते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स को एंजाइम्स को और फॉस्फोलाइपेज ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लामेशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइन्स फॉस्फोलाइपेज ए टू एक्सेट्रा ये इनहिबिट करता है एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइड्स मास्ट सेल मास सेल के एक्टिवेशन को ये इनहिबिट कर देगा जिससे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी एयरवेज की और कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्शन स्टेमोलाई जो है वो कम हो जाएंगे एलर्जेंस और इरिटेंट्स भी कम होंगे इन सब की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी एलर्जेंस इरीटेंट्स की और कॉन्स्ट्रिक्शन स्टिमुलाइज की इसकी वजह से इन्फ्लामेशन कम होगा और एयरवे मसल्स जो है रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा होगा इससे एयरवेज़ की मसल्स ज़्यादा डायलेट होगी और इजीली एयर का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा अब है यूजेस रिमिटेड आर्थराइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रॉन्स डिजीज डर्मेटाइटिस और कंजक्टिवाइटिस आथराइटिस अस्थमा से रिलेटेड है ही और क्रॉन्स डिजीज मीन्स इन्फ्लामेशन इन बाउल सीक्रेशन और कंजक्टिवाइटिस और डर्मेटाइटिस इन्फ्लामेसन इन्फ्लामेशन रिएक्शन की वजह से एलर्जेंस की वजह से होता है अब है एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसमें है वॉमिटिंग डिजीनेस रेस्टलेसनेस, एनजाइटी हेड एक डिप्रेशन और स्टमक इिटेंट्स इरीटेशन जो इरीटेंट्स और एलर्जेंस की वजह से होना नॉर्मल है इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इन कंडीशन ऑफ एक्ने आर टी आई टी बी अल्सर डर्माटाइटस आर टी आई मीन्स रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और टी बी अल्सर्स इनके साथ में इनके ये कॉन्ट्राइंडिगेश कॉर्टिकोस्टेरॉइडस का फार्मेको कॉनेटिक्स ऑफ एक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन यूजेज और कॉन्ट्राइडिगेश थैंक यू